स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के टूटने के लगभग 3.5 साल बाद उनके पटना प्रदेश कार्यालय में चिराग पासवान की फिर से वापसी हो गई है। अपने पिता के कार्यकाल में जब चिराग पासवान एक बार फिर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने रिश्तेदार राजेंद्र पासवान को गले लगाकर रोने लगे। पुराना लोजपा कार्यालय लोजपा रामविलास को आवंटित होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का जायजा लेते हुए और नारियल फोड़कर नए कार्यालय में प्रवेश किया। साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी और पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि कार्यालय से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी है, आज मेरे पास कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि फिर से ये कार्यालय आपको ये मैं जरूर उनका आशीर्वाद ही मांगा। अच्छा बात तो तुम लोग समझ रहे हो, कभी पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था है, सुचारू रूप से सारे कार्य हो सकते। ऐसे में इतनी चाहत जरूरत बिहार सरकार से ये मांग हमने जरूर की थी कि हम लोगों को लोक जनशक्ति की पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। इस दौरान चिराग पासवान ने कार्यालय परिसर में तुलसी का पौधा लगाया और सिर को जमीन में टेक कर कार्यालय को प्रणाम किया। इसके साथ ही नारियल फोड़कर अपने नए कार्यालय में प्रवेश किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी के पास हम लोगों के पास ना कोई सांसद था ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अगर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक कार्यालय हम लोगों को आवंटित नहीं किया गया। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5वां सांसद है और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने। बता दें कि लोजपा के टूटने के बाद इस कार्यालय पर अब तक पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा का कब्जा था, लेकिन बीते महीने भवन निर्माण विभाग ने उनका आवंटन रद्द कर दिया। हाईकोर्ट से भी पारस को राहत नहीं मिली, जिसके बाद 11 नवंबर को उन्होंने कार्यालय खाली कर दिया। अब इस कार्यालय को चिराग पासवान की पार्टी लोजपारा को आवंटित कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।